हेलो गाइस, आज के मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप किसी भी फाइल को इमेज के अंदर कैसे हाइड कर सकते हो। तो गाइस, आप मेरी चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने एक फोल्डर बनाया है हाइड फोटो, और उसमें एक इमेज फाइल ली है और एक म्यूज़िक फाइल ली है, और म्यूज़िक फाइल को मैंने रार फाइल में ऐड कर दिया है। तो मैं इस रार फाइल को इस इमेज के बैकग्राउंड में डाल दूंगा, जो यहाँ पे नहीं दिखेगी। और वो कैसे दिखेगी वो मैं आपके इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको स्टार्ट मेनू में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है, फिर इस फोल्डर के पाथ पे जाना है। तो सीडी हाइड फोटो, ओके, हम हाइड फोटो के अंदर आ गए। फिर इसका एक सिंपल कमांड है कॉपी स्लैश बी, देन इमेज का नाम प्लस जो भी हमने रार फाइल बनाई है उसका नाम, देन अगेन ये सोर्स हुआ और डेस्टिनेशन में हमको कॉपी करना है, तो अगेन इमेज का नाम, ओके। तो ये कॉपी हो गया है, ओके। आगे अभी मैं दिखाता हूँ, आप इस इमेज को ओपन करोगे तो वो रार फाइल नहीं दिखेगी। तो वो बैकएंड में अगर आप इसको आर्काइव में ओपन करोगे, विनरार आर्काइव, ओके, तो उसमें वो म्यूज़िक दिख रहा है, देख रहे हो आप फ्रेंड्स। तो ये है, मैंने इमेज के अंदर म्यूज़िक को हाइड कर दिया। आप इस चीज़ को रार फाइल में ओपन करोगे तो ही दिखेगा। ओके, बाय गाइस।